अच्छा सेट पे कैसा माहौल था अहमद? मुझे पता चला एक पॉइंट पे आपको कोई खौफ भी आया, कोई डराया भी गया आपको, वो क्या कहानी बताना चाहेंगे आप? मुझे किसी ने कहा कि कोई कुछ हुआ, कुछ इंसिडेंट वहां पे? ये ना वो अब आ जाए मेरे घर ये आप बताएं प्लीज, प्लीज आप बताएं। हम लोग एक लोकेशन पे जहाँ ये शूट हो रहा था, तो वो जो लोकेशन है बड़ी मजेदार लोकेशन थी, तो वहाँ के लोग भी जो थे वो कैरेक्टर में नहीं थे, वो असल थे। और किस तरह के लोग थे मुझे बताएं ना? दे वर वेरी लविंग एंड वेरी इंटिमिडेटिंग एट द सेम टाइम। और वो हमारे ओल्ड स्कूल फिल्म जो प्रोड्यूसर्स थे, जो प्रॉपर हमारे लाहौर के गुजर फैमिली और ये वो सारा अच्छा। कुछ होता है वो वाला माहौल, पंजाबी सिनेमा जो एक पंजाबी प्रॉपर। अब वो अहमद के बड़े फैन थे। अब हमने ना थ्रू आउट, मैंने और अहमद ने काफ़ी एक दूसरे की तस्वीरें खींचते रहते थे, लेकिन पूरे सेट पे था कि कोई तस्वीर नहीं खींचेगा और कोई लुक भी नहीं आउट, बिकॉज हम लोग एक 90s का टाइम दिखा रहे हैं, फैशन भी वैसा किया हुआ है, मेकअप भी हुआ हुआ है, तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई इस तरह की चीज़ लीक हो। उन्होंने आते साथ ही कहा हाँ जी ज़रा फोटो तो खिंचवा हो और आपने मना कर दिया। फिल्म भी ऑफर कर दी मुझे। फिल्म भी ऑफर होगी इनको, मल्टीपल फिल्म्स। अच्छा थ्री फिल्म डील। हाँ हाँ मुझे फिल्म ऑफर होगी। मैं गायब हो गया वहाँ से। मना कर रहे हो, ढूंढ रहे होंगे आपको? अभी भी लगता है ढूंढ रहे हैं। अभी भी लगता है वो इनको अब ढूंढेंगे। इन्होंने लोकेशन बुक करी। बट एट व्हाट पॉइंट, जब फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ आप एक्चुअली सेट के ऊपर गए, डिड यू फील दैट कॉन्फिडेंस इन हिम के यार के नहीं यार अब डिसीजन तो ले लिया है बट ये भी पक्के हैं, ये अपना काम जानते हैं? जब जिस दफ्तर में शहबाज भट्टी का कैरेक्टर काम करता है, जब मैं वहाँ एंटर किया है, तो आई वॉज ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट टाइम, एंड जब वो कैमरा पे मैंने देखा, आई वॉज लाइक दिस इज गुड, दिस इज योर फर्स्ट शॉट? नहीं, वॉज इट ये फर्स्ट काम नहीं था। अच्छा तब तक एप्रिहेंशंस थी? मतलब आपको नहीं पता होता, आपको अच्छे से अच्छे काम मैंने किए हुए हैं जिसका आपको बड़ी देर तक नहीं समझ आती कि क्या होगा। आप बस अपना 100% दे रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट। बट क्योंकि हमारी लोकेशन जो एक स्पेसिफिक लोकेशन जो डिज़ाइन हुई थी वो थी, और आई एक्चुअली फेल्ट लाइक द कैरेक्टर इन दैट मोमेंट, एंड मुझे मज़ा आया उधर खड़े होकर। मैंने कहा इसमें मेहनत हुई है, ये सिर्फ आई मीन इसके आर्ट में भी मेहनत हुई है, नॉट जस्ट द स्क्रिप्ट, नॉट जस्ट द कॉस्ट्यूम्स, बट पूरा माहौल बड़ा बेहतरीन था। तो वहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई, आई वाज लाइक ओके।